बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ एक ड्राइवर था जिसे गालबन अभी छोड़ा गया है एक दो रोज पहले, और जो उस ड्राइवर ने बताया है कि जू ही इनको गिरफ्तार किया गया तो उस्मान डार के ऊपर बहुत बुरी तरह ब्रूटल किस्म का तशद्दुद किया गया, थप्पड़ों से, घूंसों से और लातों से। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा खुदा का वास्ता है, हम एक सियासी जमात के लोग हैं, हम सियासी जमात के कारकुन हैं, वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हमें मिलिटेंट ग्रुप्स की तरह ट्रीट ना करें। हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं और अपने अफवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तरीके इंसाफ की जहां तक बात है, तरीके इंसाफ वो ट्रैफिक का जो महकमा है, पुलिस का, ट्रैफिक का महकमा, उसके खिलाफ साजिश नहीं कर सकती ट्रैफिक पुलिस के महकमे के खिलाफ। लेकिन तरीके इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने खुदा नहास्ता कहीं पाक अफवाज के खिलाफ साजिश कर दी है। तरीके इंसाफ के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने अफवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कोई कत्ल होता है तो मकतूल के कातल पकड़ने के लिए उसमें यह देखा जाता है कि इस कत्ल का सबसे ज्यादा बेनिफिशियर कौन है। 9 मई को जो भी हुआ उसका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिशियर जो है वो मुस्लिम लीग नून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ एक ड्राइवर था जिसे गालबन अभी छोड़ा गया है एक दो रोज पहले, और जो उस ड्राइवर ने बताया है कि जू ही इनको गिरफ्तार किया गया तो उस्मान डार के ऊपर बहुत बुरी तरह ब्रूटल किस्म का तशद्दुद किया गया, थप्पड़ों से, घूंसों से और लातों से। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा खुदा का वास्ता है, हम एक सियासी जमात के लोग हैं, हम सियासी जमात के कारकुन हैं, वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हमें मिलिटेंट ग्रुप्स की तरह ट्रीट ना करें। हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम मुहिब्बे वतन लोग हैं और अपने अफवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तरीके इंसाफ की जहां तक बात है, तरीके इंसाफ वो ट्रैफिक का जो महकमा है, पुलिस का, ट्रैफिक का महकमा, उसके खिलाफ साजिश नहीं कर सकती ट्रैफिक पुलिस के महकमे के खिलाफ। लेकिन तरीके इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसने खुदा नहास्ता कहीं पाक अफवाज के खिलाफ साजिश कर दी है। तरीके इंसाफ के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने अफवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कोई कत्ल होता है तो मकतूल के कातल पकड़ने के लिए उसमें यह देखा जाता है कि इस कत्ल का सबसे ज्यादा बेनिफिशियर कौन है। 9 मई को जो भी हुआ उसका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिशियर जो है वो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून।